Hey guys, what is up everybody? My name is Mr. NK. हेलो So गाइस, आई एम शाकिब। guys, आप लोग ने थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक किया है, तो वीडियो में रुकना। हम आज आपको क्या स्कैम हुआ है और कैसे हुआ है और आप लोग इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, सबके बारे में आपको बताएंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं और कहीं जाते हैं तो जितने अच्छे लोग मिलते हैं उसमें से कई स्कैमर भी मिलते हैं। तो आज हमारे साथ जो स्कैम हुआ है वो पूरा स्कैम है हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर कर देखें और वीडियो को मैं तो बोलूँगा बिना स्किप किए देखें, ताकि आप हमेशा कहीं भी जाए तो ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। तो गाइस, फाइनली रिसेंटली हम अजमेर जाके आए। तो वहाँ पे गाइस, थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया पुष्कर के लिए। तो गाइस, हम रूम में से निकल के बाहर आए तो वहाँ पे कुछ ट्रैवल एजेंट्स घूम रहे थे जिसके साथ रेट डिसाइड हुआ। तो गाइज, ट्रैवल एजेंट के साथ जैसे रेट की डिस्कस हुई तो वो 500 400 बोल रहा था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत बार्गेन करने के बाद 300 में डन हुआ और हम लोग ने हमारी जर्नी उसके साथ स्टार्ट की। तो चलिए देखिए आप लोग ये जर्नी भी। तो गाइस, अभी फाइनली पुष्कर के लिए निकल चुके हैं। हमने ये रेंटल कार कर ली है जो कि मारुति वैन है और ये भैया हमें पुष्कर लेके जाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं पुष्कर। स्कैम से अनजान हम लोग निकल पड़े अपनी ट्रिप पर और बेहतरीन वादियाँ और रोड के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो गाइज, स्कैम की शुरुआत कहाँ से होती है आप लोग सोचोगे, तो जैसे ही हम लोग कार में बैठ के रास्ते में निकलते हैं वहीं से स्कैम की शुरुआत होती है। तो गाइस, आधे रास्ते में जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां पे गाड़ी वाला बोलता है हमको, वहां पे आपको ऊंट या गाड़ी कुछ भी सवारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पुष्कर घूम सकते हैं। तो गाइस, आधे रास्ते में तो हम आ चुके थे, तो फिर हमने सोचा ठीक है, क्यों ना आ गए हैं तो कुछ कर लिया जाए। ये महाराणा प्रताप का स्मारक है जहाँ पे ड्राइवर ने बोला था हम रिटर्न में रुकेंगे। ये है बुकिंग सेंटर, यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे बुकिंग है क्या है। तो गाइस, वहाँ पे जाते हैं हम लोग और उसका रेट पूछते हैं गाइस, तो सिंगल कैमल 2000 रुपीज के। और गाइज, वहाँ पे जो कैमल कार्ड होती है उसका रेट बताया हमें 3000 रुपीज। और गाइस, 4x4 थार की कीमत 7000 रुपीज। और गाइस, हमारे पास वहाँ पे उतना बजट था नहीं कि हम वहाँ पे घूम सके। तो गाइस, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कैमल कार्ड लेना है और कैमल कार्ड ले लिया गाइस, और वो हमको पड़ा 1500 रुपीज में। गाइस फाइनली बग्गी आ चुकी है। इस बग्गी में हमको जाना है रेगिस्तान में, चलिए चलते हैं। ये साकिब भाई, चलो गाइस चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे। सो गाइस, फाइनली बग्गी में बैठ चुके हैं। यहाँ पे बग्गी का प्राइस है 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ प्राइस है बग्गी का। आप लोग देख सकते हैं बग्गी का एक्सपीरियंस कैमरे में भी हो रहा होगा। गाइस, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और वाकई बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिला है और मज़ा आ रही है बहुत। तो चलिए अब मिलते हैं अंदर। ये ऊँट चल रहा है गाइस। सो गाइस, चालू हो चुका है, देख सकते हैं आप। फाइनली रेगिस्तान स्टार्ट हो चुका है गाइस, फाइनली देख सकते हैं। ये यहाँ पे दिया और बाती सीरियल की शूटिंग हुई थी, ये वही प्लेस है।
तो गाइस वो जो मंदिर है वहाँ पे करण अर्जुन की शूट हुई थी, और ये जो लोकेशन है ये करण अर्जुन के शूट वाली लोकेशन है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा रेगिस्तान है यहाँ पे, और जहाँ पे भी देखोगे आपको ऊँट ही ऊँट देखने मिलेगी ज़्यादातर। यहाँ पे 400 से 500 ऊँट गाड़ी है, ये घुड़सवारी भी हो सकती है। तो गाइस फाइनली अब रेगिस्तान में यहाँ और आगे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बग्गी घोड़े और ATV व्हीकल वगैरह है, यहाँ से आप रेंट पर ले सकते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग रेगिस्तान में पानी मिल गया। गाइस ये मिट्टी की हवेली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ साइड्स है और आगे रेगिस्तान। यहाँ पे गाइस आंवले की खेती होती है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है रोड, और हम चल रहे हैं अभी भी बग्गी के अंदर। चलिए चलते हैं आगे। ये सामने गाइस आप देख सकते हैं गुलाब की खेती है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं करण अर्जुन मूवी में जो घोड़ों का तबेला बताया गया था वो इसी जगह पे था। और आजू बाजू रेगिस्तान है गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं साकिब भाई ऊँट को लेके जा रहे हैं, किस तरह से जा रहा है आप लोग देखिए जरा। भाई जी साकिब जा रहा है ऊँट चला के। आज गाइस ये ट्रिप थी, और हमारे साथ जो स्कैम हुआ वो एंड में हमें भी पता चला, तो फिर हम लोग माही जी के साथ निकल पड़े हमारे रूम पर। तो गाइस फाइनली जैसे कि आप लोग ने पूरा वीडियो देखा तो हमारे साथ स्कैम की शुरुआत तो रूम से निकलते ही हो चुकी थी। जो ट्रैवल एजेंट था उसके साथ रेट का डिस्कशन हुआ, तो 500 करते करते 300 तक बार्गेनिंग हुआ, और उसने बोला था कि मैं पुष्कर घुमा के लाता हूँ। लेकिन आधे रास्ते पहुँच के ये भी डिस्कशन हुआ कि वहाँ पे पहुँच कर एक कैमल कार्ट या जो भी लेना है उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारा रहेगा। फिर भी थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होने के बाद हमारा डिसाइड हुआ कि चलिए चलते हैं पुष्कर। तो फ्रेंड के साथ हम लोग निकल गए, अब आए हैं तो घूम ही लेते हैं पैसा समझ के हम लोग निकल गए पुष्कर के लिए। तो गाइस फाइनली पुष्कर तो हम पहुंच गए, लेकिन गाइस वहां पे जाके हमने जो रेट सुना गाइस वाकई 4x4 थार का 7000, कैमल कार्ट का 3000 और सिंगल कैमल का गाइस 2000 रुपीज। तो गाइस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं घूमना हमको पुष्कर, तो गाइस हम रिटर्न आ रहे थे। लेकिन फिर एजेंट से कॉन्टेक्ट किया जो हमको लेके गया था, ट्रैवल एजेंट, तो उसने बताया कि चलो मैं कुछ जुगाड़ करवा देता हूँ। तो गाइस उसके बाद उसने जुगाड़ लगाया, तो गाइस कैमल कार्ड लिया और घूमने भी निकल चुके। वो भी जर्नी आप लोगों ने देखी कि जर्नी में भी क्या घूमने को मिला, कुछ खास नहीं गाइस। आंवले की खेती, रोज़ की खेती, ये मंदिर, लेकिन सब चीज़ें वैसे भी इतनी खास नहीं लगी। और जो घूमने का जो एक्सपेंस था उस हिसाब से हमें तो कोई एंजॉयमेंट ऐसा मिला नहीं। हाँ रेगिस्तान देख के और रेगिस्तान की जो डेजर्ट सफारी थी उसमें थोड़ा बहुत मज़ा आया, लेकिन बाकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और हमारा जो भी एक्सपेंस था वो बिल्कुल वेस्ट गया। तो गाइज इसमें सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ वो तो पूरी जर्नी के एंड में हमें भी पता चला कि हमारे साथ क्या स्कैम हो गया है। तो गाइज उसमें हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही जर्नी एंड होने वाली थी तो एक बंदा था जिसके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हम अजमेर से पुष्कर अगर ऑटो में आते तो हम सब पर पर्सन 50 रुपीज़ में पुष्कर आ जाते। और यहाँ पे जो भी है कैमल कार्ट जीप और कैमल का प्राइस वो वाकई हमसे डबल या 3 गुना लिया गया। तो गाइस बिगेस्ट स्कैम हमारे साथ ये हुआ कि जो हमने कैमल कार्ट लिया हुआ था उसके हमने पे किए थे पूरे 1500 रुपीज़, और जो भैया ने हमें बताया
उस कैमल कार्ट का प्राइस था ओनली फॉर 600 रुपीज। तो गाइस और वहाँ पे उतना ही घुमाएगा और उतना ही जो आइटम में उसने दिखाई थी, मतलब जो जो प्लेस देखने जैसे थे उस कीमत में भी, और जो हमने हमारे पास से 1500 रुपीज लिए थे उसमें भी गाइस उतना ही देखने जैसा है। तो गाइस जैसा कि साकिब ने बताया कि वो भैया ने हमें रेट बताया कि इस रेट में, तो जैसे कि कैमल काट का 600 रुपीज़ और सिंगल कैमल का 500 रुपीज़ है, और जो जीप है उसका जो 7000 बोला था उसकी जगह पे 3000, और जीप में 3000 क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट सफारी जैसे दुबई में होती है उस तरह कराई जाती है, तो उसका 3000 रुपीज़ तो वर्थ है, लेकिन उसका भी 7000 रुपीज़। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि कितना रेट का फर्क है, और इसमें ये रेट बढ़ते क्यों हैं उसका भी कुछ कुछ कारण है। तो गाइस अगर आप भी कभी अजमेर जाओ और अगर आपको भी इच्छा हो कभी पुष्कर जाने की, घूमने की, तो आप कभी ऐसे ट्रैवल एजेंट से ना मिले और उनका कांटेक्ट ना करें। अगर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, तो आप जरूर जाए, अच्छी जगह है। तो गाइस जैसे कि साकिब ने बताया वहाँ पे अगर आपको कभी भी जाना है तो बिना किसी ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट किए आप लोग एक इजीएस्ट वे से जा सकते हैं। पूरी डिटेल गाइस बता देंगे हमारे एनके भाई आपको। तो गाइस आपको फाइनली करना क्या है, जैसे भी आप रूम से निकले तो आप लोगों को याद होगा दिल्ली गेट जो है, दिल्ली गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाएगी, या तो अजमेर बस स्टैंड से आप बाय बस भी जा सकते हैं, और उसमें आपको करीब 30 से लेके 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगेगा, लेकिन आप लोग जो कार वाले, क्योंकि फ्रॉड की पहली शुरुआत कार वालों से ही होती है, और ज़्यादातर जो वहाँ पे भी रेट का ज़्यादा होना उसमें भी कहीं ना कहीं उनका कुछ हिस्सा होता है, इस हिसाब से रेट ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं कि हम अगर वापस आना चाहे तो वो लोग बोलते हैं कि रुको मैं कुछ आपको करवा देता हूँ मेरे जुगाड़ से, और उन लोगों का जुगाड़ कैसा होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं जो साकिब आपको बताएगा। तो गाइस स्कैम की शुरुआत इस तरह होती है कि जब आप टैक्सी लेने जाते हो या फिर कोई ट्रैवल एजेंट आपके पास आता है तो आपको 2 गुना या 3 गुना भाव के प्राइस बोलता है, मतलब जो प्राइस होता है उससे, और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो आपको फाइनली रेट दे देता है ताकि उसका कमीशन है या जो भी उसका सेटिंग है जुगाड़ है वो बना रहे। और गाइज उसमें होता ऐसा है कि जो भी रेट होते हैं उसमें वो जो भी जुगाड़ लगाते हैं फिर भी ये रेट आपके लिए ज़्यादा ही होते हैं। बाकी आप जैसे कि आप पर्सनली जाओगे पुष्कर तो आपको देखने मिलेंगे कि ये रेट कितने होते हैं, और हमारे जो ट्रैवल एजेंट के द्वारा जाते हैं उन लोगों से कितना रेट लिया जाता है। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए और ऐसी ट्रैवलिंग वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आप तो स्कैम से बचे ही बचे और आपके फ्रेंड्स भी ऐसे स्कैम से बच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।